लीकेज थी, वो लोग फोन कर उनसे पूछा तो क्या हम फोन करते हैं आते नहीं। इसमें क्या सुरक्षा मानक लगे हुए हैं जी, जो मैं अभी भी सेफ हूँ? नेट पर देख करके इनके कॉल किया, इनके जितने भी नंबर थे तो किसी में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। ना ना सर, मुआवजा दूर की ये तो देखने भी नहीं आए, मुआवजे की तो कोई दूर दूर तक बात नहीं। इनका स्टाफ भी ट्रेंड नहीं है, वो ये ट्रेनिंग दी नहीं गई है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। नंबर ही नॉट वैलिड, ये नंबर ही वैलिड नहीं है। फरीदाबाद आप ये देखें, फरीदाबाद में होलिका दहन की अगली रात सेक्टर 11 डी में एक भयानक हादसा होते होते टल गया। वही इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी लापरवाही अडानी गैस सर्विसेज की सामने आई, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दूं कि 18 तारीख यानी होली वाले दिन सेक्टर 11 डी के निवासी होली खेलकर दिन भर के थके हारे रात 11 बजे सोने चले गए कि अचानक 11:30 बजे के आसपास एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिससे स्थानीय लोग चौंक कर उठे और जब घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर भयानक आग लगी हुई है। यह आग अडानी गैस पाइपलाइन में लगी हुई थी। लोगों का कहना है कि आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें 20-30 फुट की ऊंचाई तक जा रहे थे, जिनके घर